हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और मैं देख सकते हो आप, मैं अभी तैयार होकर गाड़ी में बैठा हुआ हूँ नीचे और जा रहा हूँ अभी साइड पे। तो मेरी साइट है अमृतसर की, तो अमृतसर मेरा अभी जाना रहेगा। तो अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं, तो मैं वही 11-12 बजे तक पहुँच जाऊँगा साइड पर, और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ कुछ रास्ते का और वहाँ का भी कुछ व्यू कैसा रहने वाला है। और आज रात को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो कुछ मौसम भी ठंडा ही है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो हम अभी रास्ते में चल रहे हैं और बारिश की वजह से देखो ये शीशे वीशे कितने गंदे हो गए हैं सामने, बिल्कुल क्योंकि सामने जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके टायरों से गंदा पानी उड़ता है और शीशे में टकराता है, उसके चलते कितने गंदे शीशे हो गए हैं ये देख सकते हो आप। इस तरीके से आपको दिख ही रहा होगा। और अभी हम रास्ते में जा ही रहे हैं अमृतसर, तो बीच में और बाकी अभी हम गाड़ी भी कहीं रास्ते में खड़ी करेंगे, फिर ये शीशे इसे क्लीन करेंगे तब जाके अपना आगे निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। अब दिखाई भी नहीं दे रहा है और आगे वाइपर भी अब सही से काम नहीं कर रहा, क्योंकि अभी इसमें मिट्टी जम गई और सूख गई, और हमारी गाड़ी में जो पानी की पचकानी जो फेंकती है ना शीशे पर, वो अभी ख़राब हो रही है। फाइनली अमृतसर के अंदर आ गए हैं, तो अभी देख लीजिए हम यहाँ अभी खड़े हुए हैं। देखो सामने एक रोड के ऊपर ये गेट है, ये आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल बहुत बड़ा गेट है और उसके नीचे से हम निकल के जाएंगे। कोई एंट्री पता नहीं क्या है कैसा क्या, अंदर ही हमारा टावर लगा हुआ है यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर। तो अभी दिखाते हैं आपको, बने रहना आप। कितना सुंदर और मस्त व्यू है आज देख सकते हो। अभी हम गेट के अंदर से निकल के जा रहे हैं नीचे से, कितना बड़ा गेट है ये, इसके अंदर ही टावर लगा हुआ है। आपको गेट दिखाते हैं, कितनी अच्छी इसकी डिजाइनिंग की गई है देख लीजिए आप, मस्त एक नंबर व्यू। ये अमृतसर के अंदर है, लेकिन हमें पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है, काहे का गेट बना रखा है इन लोगों ने, लेकिन कुछ भी हो बहुत अच्छा है। अभी हम इसके नीचे से देखो निकल रहे हैं, कुछ पुलिस वाले भी यहाँ लगे हैं देख सकते हो आप। फाइनली गाइस, हम पहुँच गए हैं अपने टावर वाली लोकेशन पे, और अभी आपको दिखाते हैं हम टावर कुछ इस प्रकार। यहाँ से घूमिए, पीछे गली है, एक गली यहाँ से इधर भी है, पीछे ट्रैक्टर भी आ रहा है महिंद्रा, और बाकी अभी हम चलते हैं। देखो टावर को, आपको टावर भी दिखाते हैं, टावर देखो छोटा सा एक टावर लगा हुआ है यहाँ पे, आपको अभी नज़र आएगा। टावर भी दिख रहा होगा, छोटा सा टावर लगा हुआ है बिल्कुल, और ये मेरे पीछे कुछ गली है और एक गली निकल जा रही है, ये कुछ यहाँ का ऐसा व्यू है। बाकी देखो अभी हम काम स्टार्ट करेंगे, तो आपको वहाँ का व्यू गाइस देख सकते हो। हम साइड से निकले हुए हैं, अभी अमृतसर के अंदर ही है, तो कुछ रोड पे ट्रैफिक हो रहा है देखो, और दिन का काम धाम नहीं आपको कुछ दिखा पाए हम, बारिश वारिश पड़ रही थी दिन में इसलिए, तो हमने सोचा चलो चलते चलते बैक वाला ही दिखा देते हैं आपको कुछ। यहाँ पे ट्रैफिक हो रहा है, अभी हम खड़े हुए हैं अंदर, सिटी के अंदर हैं, तो गाइज देख सकते हो आप ट्रैफिक कैसा है। और बाकी सामने का रोड का व्यू दिखाओ, सामने का रोड कुछ इस प्रकार है, मस्त व्यू लग रहा है, एक नंबर का व्यू आ रहा है। गाइज आप देख सकते हो, देखो गाइज अगर कैसा क्या व्यू है कमेंट जरूर करना इस पर, अच्छा है खराब है जो मर्जी जैसी भी तुम्हारा दिल करे कमेंट जरूर करना। लेकिन रोड का, ये अमृतसर की रोड है देख लो आप, पंजाब अमृतसर की रोड है। अरे भाई निकल जा, क्यों हॉर्न मार रहा है भाई, ये देख लो अभी देखो तो वही एंट्री गेट भी तुम्हें दिखेगा अभी, वही खूबसूरत। लेकिन पता नहीं अभी नाइट का व्यू है तो कैसा लाइट है उस पर कि नहीं है। फाइनली हम अमृतसर से निकल गए हैं, आप देख सकते हो ये कुछ बोर्ड लगा है जिसपे पठानकोट बटाला लिखा हुआ है, तो हम अभी अंदर भी अमृतसर वाली रोड पे खड़े थे, तो वहाँ से चलना स्टार्ट किए, तो उसके बाद हम एक ऊपर यहाँ से
मतलब लेफ्ट साइड में एक घूम जा रही है जो NH54 की तरफ, तो NH54 पे सीधा ये चढ़ा रही है, तो हम उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। अभी देख सकते हो आप किस प्रकार ये घूमे, पूरी की पूरी मुड़ी हुई है ये। फिर उसके बाद चढ़ते सीधे हम पहुँचेंगे गुरदासपुर, आप देख सकते हो। अभी हमें यहाँ से कम 2 घंटे लगेंगे पहुँचने में, जो कि 80 किलोमीटर तो है ही समथिंग, लेकिन हम अपनी गाड़ी वही 80-85 से ज़्यादा नहीं चलाते हैं, इसलिए नॉर्मली चलते हैं, क्योंकि गाड़ी भी हमारी L2 ही है इसलिए। और सामने हम फाइनली चढ़ गए हैं रोड पे, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको ये एक हम और भी दिखाएंगे, देखिए सामने एक महल टाइप का बना हुआ है, बहुत अच्छा व्यू है इसका, जो भी आप देखोगे आगे। और इसमें इतनी लाइटिंग वाइटिंग इतनी मस्त कर रखी है, जिसमें शादी वगैरह होती है मुझे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो बहुत अच्छा सुंदर है वो देखने में, देख सकते हो आप। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि इसे बिल्कुल अच्छे से दिखाएं, देख लीजिए आप। मैं गाड़ी भी तो हल्की स्लो कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बिल्कुल नज़र आएगा साफ कैसा क्या है, कितनी लाइटिंग कर रखी है यहाँ। और ये एक बोर्ड है जिस पर लिखा अमृतसर टोल रोड आपका हार्दिक स्वागत करता है, ये देखिए कितना मस्त व्यू है इसका, इसमें शादियाँ वगैरह कंटिन्यू चलती रहती हैं। हम यहाँ से गुजरते हैं तो इस पर अक्सर हमारी नज़र पड़ती पड़ती है, देख लीजिए आप। बाकी कुछ हमारी रोड है जिस पर हम चल रहे हैं वो ऐसी है, और रात के बज रहे हैं अभी 8-10 बजे तक पहुंच जाएंगे हम रूम, उसके बाद फिर अपना सोना, फिर सुबह अपने वही साइड पे निकलना, ये हमारा चलता रहता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।